दोस्तों, आज से ठीक 5 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पूछा था कि क्या लॉरेंस बिश्नोई पर मूवी बनना चाहिए कि नहीं। तो उस पर आप सबने ही बोला था कि जरूर मूवी बननी चाहिए, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं। और हाँ, ये वाला वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना, लिंक कमेंट बॉक्स में है। तो आज उसी टॉपिक, मतलब लॉरेंस बिश्नोई पर मूवी बनेगी कि नहीं, एक बहुत ही बड़ी न्यूज सामने आई है। तो न्यूज क्या है, चलिए आप लोगों से शेयर करते हैं। तो आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि लॉरेंस बिश्नोई, जिसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गैंगस्टर माना जाता है ऐसा सोशल मीडिया पर बताते हैं, जिसने कई बड़े वारदातों को अंजाम दिलवाया है, सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेकर सलमान खान को जान से मारने की, बल्कि सलमान के फार्म हाउस पर दो दो बार अपने शूटर्स को भेजे हैं, और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के केस में भी उसी के गैंग का नाम सामने निकल कर आया था। यहाँ तक पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, कोई भी क्राइम होता है तो सबसे पहले तो पोस्ट करके उसकी जिम्मेदारी ले लिया जाता है। ये तो आप जानते हैं कि जिस गैंगस्टर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई, जो इस समय गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। तो आज हम बात करेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर एक वेब सीरीज बनने जा रही है, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे ही आनंद पाल और यूपी के गोरख के गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला के ऊपर देखी थी बनी हुई है। और सबसे खास बात तो ये है कि इन गैंगस्टरों के ऊपर जो वेब सीरीज बनाई गई थी उसे सपोर्ट बहुत किया गया, लोगों ने पसंद बहुत किया। लेकिन बात यह है कि अभी तक जितनी भी वेब सीरीज गैंगस्टर पर बनी है वो सभी मर चुके हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई अभी जिंदा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वेब सीरीज बनने जा रही है वो है अमित जोनी, ये वही है जिन्होंने पाकिस्तान से सीमा हैदर आई थी तो तब भी इन्होंने सीमा हैदर के जिंदगी के ऊपर एक वेब सीरीज बनाने की बात कही थी। और अब ये गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जो आज तक चला आ रहा है, तो उसको नाम दिया गया है गैंगस्टर लॉरेंस से गैंग का गैंगस्टर, स्टोरी का टाइटल जॉनी फायरफॉक्स फिल्म को दिया गया है। अब ये जब वेब सीरीज बन के सामने आएगी तो तब देखेंगे कि इसमें क्या सब कुछ देखने को मिल सकता है या नहीं। तो अब बात है कि जो लॉरेंस बिश्नोई पर मूवी बनने की बात हो रही है, जो अभी शुरुआत ही की गई है, अगर लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर मूवी बनने की शुरुआत है तो सोचिए इसका असर आज के युवा पर क्या पड़ेगा, जो कि आज के समय में लॉरेंस बिश्नोई के इतने चाहने वाले हैं जो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। तो क्या ऐसी फिल्म को बनाने का परमिशन देना चाहिए कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना और सब्सक्राइब भी कर लेना।